एक महिला से छेड़खानी का आरोप गोपालपुर थाने की पुलिस पर लगा है। महिला का आरोप है कि रात के वक्त जब वो सो रही थी तो गोपालपुर थाने की पुलिस उसके घर में दाखिल होती है और उसके साथ छेड़खानी करती है। इस घटना के बाद सैकड़ों लोग गोपालपुर थाने पर पहुंचे और थाने का घेराव किया। बाद में नौगछिया SDPO मुकुल कुमार वहां पहुंचे और मामले को शांत कराया। भागलपुर से अजय कुमार की रिपोर्ट। उसी के क्रम में गोपालपुर थाने द्वारा एक जगह रेड किया गया था, बिंद टोली में। वहां कुछ बरामदगी तो नहीं हुई और सूचना भी उन्हीं लोगों के बीच में था। सूचना देने वाले का नाम हम नहीं बताएंगे जी। हम लोग इसका बात का सत्यापन कराए थे कि वाकई क्या उस जगह दारू की बिक्री हो रही है या नहीं। वो सूचना का सत्यापन करने जब पुलिस गई थी तो लोग आक्रोशित हो गए थे। उनका ये था कि हम लोग का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, कभी हम लोग जेल नहीं गए हैं दारू के मामले में, फिर पुलिस रेड करने क्यों आ गई। तो पूरे ग्रामीण थाने पे आ गए थे और इसी बात की मांग कर रहे थे कि इसका जांच करवाया जाए कि किस परिस्थिति में पुलिस बिंद टोली में गई। ये सूचना थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा मुझे दी गई। अभी हम थाने पे आए हैं और थाने पे आके हमने मामले को जांच किया है, सभी की बातें सुन रहे हैं और जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगा उसके बाद हम लोग करेंगे कि किस परिस्थिति में रेड हुआ और रेड हुआ तो क्या किसी को कोई चोट पहुंचा या नहीं पहुंचा। क्योंकि लोगों में यह आक्रोश था कि पुलिस वहाँ गई और अनावश्यक रूप से लोगों को तंग तबाह किया है ना। प्रथम दृष्टया इसमें कोई सच्चाई नहीं लग रही है, फिर भी हम लोग इसको जांच पड़ताल करेंगे। अगर कोई दोषी पुलिस पदाधिकारी इसमें पाए जाते हैं तो उस पर जो लीगल एक्शन होता है या अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो हम लोग करना सुनिश्चित करेंगे।